नमस्कार सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मैना के तोता से तीन प्रश्न। एक बार की बात है, एक शिव मंदिर था, उसके बाहर एक बट वृक्ष था। एक तोता और मैना शिव मंदिर के बाहर उस बट वृक्ष पर बैठे हुए थे। प्रतिदिन उनका उठना बैठना वहीं पर होता था। वो दोनों पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति करते थे। एक दिन तोता और मैना दोनों बैठे हुए थे, तो मैना तोता से कहती है कि मैं बहुत दिनों से तीन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहे हैं। वो कहने लगी कि मुझे जिन तीन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, उनमें से पहला प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न है इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है, और मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो जमराज को भी हरा सकती है। जब मैना तोता से ये तीन प्रश्न पूछती है, तो तोता मैना से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैना, अब तुम शांत मन से बैठ जाओ और ध्यान से इस कहानी को सुनो। मैना शांति से बैठ जाती है और बड़े ध्यान से कहानी को सुनने लग पड़ती है। तोता कहानी शुरू करते हुए कहता है कि बहुत समय पहले की बात है कि धर्मपुर नामक एक नगर था। उस नगर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। वो सेठ दान पुण्य में बहुत विश्वास रखता था, गरीबों की हमेशा सेवा किया करता था और असहाय व्यक्तियों की भी मदद करता था। उसके दो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम धर्मवीर था और छोटे पुत्र का नाम कर्मवीर था। धर्मवीर थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, परंतु कर्मवीर कुछ शरारती और चंचल स्वभाव का था। कर्मवीर जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से एक घोड़े को लाने के लिए जिद की। उसके पिता ने उसे एक सुंदर सा घोड़ा खरीद कर दे दिया। घोड़ा पाकर कर्मवीर बहुत खुश हुआ। अब वो प्रतिदिन उस घोड़े पर सवार होकर नगर में घूमने के लिए जाया करता था। गर्मियों के दिन थे। एक दिन जब वह नगर का भ्रमण कर रहा था, तो घूमते घूमते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया। यहाँ पर कहीं भी पीने वाले पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समय कर्मवीर को बहुत प्यास लगी हुई थी। प्यास लगने के कारण कर्मवीर इधर उधर पानी को ढूंढने लगा, लेकिन उसे पानी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। कर्मवीर का घोड़ा भी प्यासा था और वो भी पानी पीना चाहता था। कर्मवीर और कर्मवीर का घोड़ा दोनों ही प्यासे थे। उन दोनों को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी और उनकी हालत बहुत खराब थी। पानी ढूंढते ढूंढते दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक गरीब इंसान पानी पिला रहा था, यानी प्याऊ चला रहा था। प्याऊ उस स्थान को कहते हैं जहां पर गर्मी के दिनों में राह चलते प्यासे लोगों को धर्मार्थ पानी, शरबत, लस्सी आदि पिलाई जाती है। वो गरीब इंसान पानी पिला रहा था। कर्मवीर और उसका घोड़ा उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। वहां पानी पीने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। उस रास्ते में वही एक स्थान था जहां पीने वाले पानी की व्यवस्था थी। दूर दूर से थके हुए व्यक्ति वहां आते और प्याऊ पर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। लोग पानी पीने के बाद उस पानी पिलाने वाले गरीब व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं और तरह तरह के आशीर्वाद देते हैं। वे कहते कि भगवान तुझे लंबी उम्र दे, भगवान तुझे खुश रखे और तेरे घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहे, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे। इस तरह से हर आदमी उसको कोई ना कोई आशीर्वाद देकर जाता। तोता मैना से कहता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। उधर कर्मवीर ये सब देख रहा था। कर्मवीर भी देख रहा था कि जो भी लोग वहाँ पानी पी रहे थे, वो पानी पीने के बाद उस आदमी को आशीर्वाद दे रहे थे। कोई कुछ आशीर्वाद देता तो कोई कुछ आशीर्वाद देता। इस तरह से वह व्यक्ति भी उन लोगों से आशीर्वाद लेकर बहुत खुश होता। कर्मवीर बड़े गौर से इस बात को देखता रहा और यह भी सुनता रहा कि लोग किस किस तरह का आशीर्वाद उसको दे रहे हैं। अब कर्मवीर अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ा। कर्मवीर ने वहाँ पर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया। उसके बाद वह एक तरफ एक पेड़ की छाया में बैठ गया और काफी देर तक ये सब देखता रहा।
कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति इस तरह प्यासे लोगों को पानी पिलाकर बहुत पुण्य का काम कर रहा। ये सब सोचते हुए उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी एक प्याव खोलूं, ताकि मैं भी इसी तरह से प्यासे लोगों को और जीव जंतुओं को पानी पिला सकूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। ये बात उसके मन में बैठ जाती है और वह निर्णय कर लेता है कि मैं ऐसा अवश्य करूंगा। उसके बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ता है। पूरे रास्ते में उसके मन में यही विचार चलते रहते हैं कि मुझे भी उस व्यक्ति की तरह प्यासे लोगों को पानी पिलाना है, मुझे भी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे 20 मटके चाहिए। कर्मवीर का पिता उस नगर का बहुत बड़ा सेठ था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसे अपने बेटे के मुंह से 20 मटकों को लेने की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। वो सोचता है कि उसका पुत्र ऐसा क्यों कह रहा है। अपने पिता को सोच में डूबा हुआ देखकर जब कर्मवीर फिर से कहता है कि पिताजी, मुझे 20 मटके चाहिए, तो वो कर्मवीर से पूछता है कि बेटा, यह मटके तुझे किस लिए चाहिए। हमारे घर में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर धन दौलत सब है, तुम इन मटकों का क्या करोगे। कर्मवीर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं एक प्याव का निर्माण करूंगा और वह मैं ऐसे स्थान पर करूंगा जहां पानी की व्यवस्था ना हो। मैं प्यासे लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगा। कर्मवीर की बात सुनकर उसका पिता कहता है कि ठीक है बेटा, हम किसी ऐसी जगह पर प्याव का निर्माण करा देंगे और वहां पर पानी पिलाने के लिए किसी मजदूर को लगा देंगे जो वहां पर प्यासे लोगों को पानी पिलाता रहेगा। अब कर्मवीर कहता है कि नहीं पिताजी, मैं लोगों को पानी अपने हाथों से पिलाऊंगा। कर्मवीर का पिता ये समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसकी जिद के आगे वो मान जाता है। वो कर्मवीर को एक ऐसे स्थान पर ही प्याव खोल कर देता है जहां दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत से लोग उस रास्ते से आते जाते थे। तोता मैना को कहानी सुना रहा है और मैना बड़े ध्यान से सुन रही है। फिर तोता कहता है कि कर्मवीर एक ऐसी ही जगह पर प्याव लगा लेता है। लोग दूर दूर से उस स्थान पर आते हैं और पानी पीते हैं। कर्मवीर बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ सभी लोगों को पानी पिलाता है। अब कर्मवीर को भी उसी तरह आशीर्वाद मिलता जैसे उस पानी पिलाने वाले व्यक्ति को मिलता था। कर्मवीर को भी लोग उसी तरह आशीर्वाद देते कि तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो, तुम्हें जीवन में सभी खुशियां मिले, तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे। कर्मवीर ऐसे आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न होता है। एक दिन उस नगर में जहां कर्मवीर प्याव चलाता था और प्यासे लोगों को पानी पिलाता था, वहां पर जमराज के 4 जमदूत आते हैं। वो जमदूत किसी जीवात्मा को पकड़कर ले जा रहे थे। जब वो जमदूत कर्मवीर के नजदीक से गुजर रहे थे तो उनकी नजर कर्मवीर के प्याव पर पड़ जाती है और वो वहां पर खड़े होकर देखने लग पड़ते हैं। वो देखते हैं कि कर्मवीर सभी को बड़े प्यार से पानी पिला रहा है। सभी प्यासे लोग पानी पीकर और आशीर्वाद देकर वहां से जा रहे हैं। जमराज के यमदूत ये सब कुछ देखते हैं और फैसला करते हैं कि क्यों ना हम भी कर्मवीर के पास जाकर पानी पीकर आए। यमराज के यमदूत मनुष्य के भेष में आ जाते हैं और पानी पीने के लिए कर्मवीर के प्याव पर पहुंच जाते हैं। वो जमदूत जाकर कर्मवीर से पानी पीते हैं। पानी पीकर चुपचाप वहां से चले आते हैं। कुछ दिन निकलने के बाद फिर से जमराज के जमदूत उसी नगर में आते हैं। फिर वो उस नगर से किसी जीवात्मा को लेने आए थे। जब वो जीवात्मा को लेकर उसी रास्ते से वापस जा रहे थे तो वो फिर से कर्मवीर को देखते हैं और कर्मवीर के प्याव से थोड़ी दूर पर रुक जाते हैं। फिर से आदमी का भेष बनाते हैं और पानी पीने के लिए कर्मवीर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो कर्मवीर के पास पहुँचते हैं, कर्मवीर उन्हें पहचान लेता है और कर्मवीर कहता है कि भाई, तुम कहाँ के रहने वाले हो। कर्मवीर उनसे कहता है कि भाई, तुम कुछ दिन पहले भी यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे, आज फिर आए हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम क्या काम करते हो।
जमराज के जमदूत कर्मवीर से कहते हैं कि हम व्यापारी हैं और हम व्यापार करते हैं। हमारा इस रास्ते से आना जाना लगा रहता है। जब भी हम दूर दराज से व्यापार करके आते हैं तो हम इसी रास्ते से आते हैं, हम जाते भी इसी रास्ते से हैं। इसलिए तुम्हारे प्याओ पर पानी पीते हैं। कर्मवीर को उनकी बातों पर विश्वास हो गया। इसके बाद जब भी वो चारों आते हमसे मित्रता करना चाहते हो तो हम तुमसे मित्रता कर लेते हैं। कर्मवीर और जमराज के चार जमदूतों में मित्रता हो जाती है। समय के साथ साथ वो लोग घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। तोता मैना से यह बात कह रहा है और मैना बड़े ध्यान से सुन रही है। तोता मैना से कहता है, जब भी जमराज के वह चार जम उस नगर में आते तो हर बार वो कर्मवीर के प्याव पर पानी पीने के लिए वो जरूर जाते। अब उन लोगों में गहरी मित्रता हो चुकी थी। अब वो घंटों घंटों बैठकर कर्मवीर से बातें करते। वो बातें करके वापस चले जाते। इसी तरह समय निकलता चला गया। एक दिन कर्मवीर के विवाह का समय आ गया तो उसने अपने चारों मित्रों को निमंत्रण दिया। वो चारों मित्र जो जमराज के दूत थे कर्मवीर के विवाह में भी आए। कर्मवीर अपनी दुल्हन को अपने घर ले आया। शादी के बाद जमदूत वापस चले गए। उसके बाद कुछ दिन का समय और निकल गया। एक दिन जमराज अपने दूतों से कहते हैं कि कल तुम्हें एक कर्मवीर नाम के व्यक्ति के प्राण हरने हैं। जमराज की यह बात सुनकर चारों जमदूत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कर्मवीर उनका गहरा मित्र था। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। जमराज इन चारों में से सबसे छोटे यमदूत से कहते हैं कि तुम एक विषैला नाग बनकर उसे डसोगे और उसके बाद तुम सभी उसको जहां लेकर आओगे। जमराज उन यमदूतों को यह आदेश दे देते हैं और कहते हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और तुम अपना कार्य पूरा करके आओ। चारों यमदूत मृत्यु लोक आ जाते हैं। मृत्यु लोक में आकर वो सीधे कर्मवीर के पास पहुंच जाते हैं। वो कर्मवीर के पास पहुंचकर पहले उससे बातें करते हैं, उसके प्याव पर पानी पीते हैं। अचानक जमदूत रोने लग जाते हैं, क्योंकि कर्मवीर उनका गहरा मित्र था। वो अपने ही मित्र को ले जाने वाले थे, इसलिए दुखी होकर वो चारों जमदूत जोर जोर से रोने लग जाते हैं। कर्मवीर ये देखकर परेशान हो जाता है और उनसे पूछता है कि मित्रों, तुम रो क्यों रहे हो? क्या इस नगर में किसी ने तुमसे कुछ कहा है, तुम्हें परेशान किया है? आप मुझे बताइए, मेरे पिता इस नगर के नगर सेठ हैं। यदि कुछ ऐसा हुआ होगा तो मैं उन लोगों को उचित दंड दिलवा सकता हूँ। चारों जमदूत कहते हैं कि मित्र, इस नगर में हमें किसी ने कुछ नहीं कहा है। उनकी बात सुनकर कर्मवीर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मित्रों, जब इस नगर में किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा तो फिर तुम लोग रो क्यों रहे हो? कारण क्या है? सबसे छोटा जमदूत और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लग पड़ा और अब वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, क्योंकि उसे कर्मवीर से कुछ ज्यादा ही प्यार था, इसलिए उसे सबसे ज्यादा दुख हो रहा था। कर्मवीर उसे कहता है कि मित्र, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? आप लोग मुझे अपनी परेशानी बताएं तो सही। अब सबसे छोटा जमदूत बोला कि मित्र, यदि तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वो कहता है कि मित्र, असल में हम इंसान नहीं हैं, हम चारों जमदूत हैं। जब भी हम इस नगर में आते थे तब हम किसी ना किसी के प्राण हरने के लिए आते थे, क्योंकि यही हमारा काम है। उसके बाद हम तुम्हारे प्याव पर पानी पीने के लिए आते थे। धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। कर्मवीर कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? छोटा जमदूत बोला कि मित्र, तुम हमारे सबसे सच्चे मित्र हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। कल ठीक 12 बजे तुम्हारी मृत्यु का समय है। अब आगे जमदूत कहता है कि दोस्त, हम कल तुम्हारे प्राण हरने वाले हैं। कल 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हमें कल 12 बजे तुम्हारे प्राण हर कर ले जाने का आदेश है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे जमराज ने एक जिम्मेदारी दी है। मुझे एक विशाला नाग बनना है। मैं नाग का रूप धारण करूँगा और तुम्हें डस लूँगा। उसके बाद हम तुम्हारे प्राणों को जमलोक ले जाएंगे।
उनकी बातें सुनकर पहले तो कर्मवीर थोड़ा डर जाता है, लेकिन बाद में हिम्मत करके वो कहता है, मित्रों जब मेरी मृत्यु आ ही गई है तो अब डरने से भी कुछ नहीं होगा और ना ही अब तुम लोग कुछ कर सकते हो, तो तुम क्यों डर रहे हो। उसके बाद कर्मवीर कहता है, कोई बात नहीं, जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। इस बार मेरी बारी है और कल मैं जा रहा हूँ, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। आपका जो काम है आप कीजिए, मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जब ये बात कर्मवीर जमदूत से कहता है तो वो कहते हैं कि मित्र वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें इस बात का दुख तो है, हम अपनी तरफ से इतना करने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के समय तुम्हें पीड़ा ना हो। सबसे छोटा जमदूत कहता है कि मित्र कल मैं नाग बनकर 12:10 पहले तुम्हारे घर पर मैं तुम्हें दस लूंगा और ठीक 12 तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कर्मवीर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कर्मवीर अपना प्याव बंद करके अपने घर चला जाता है। कर्मवीर का कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ था। कर्मवीर की पत्नी बहुत सुंदर, सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। घर जाकर कर्मवीर अपनी पत्नी से मिलता है, अपने पिता से मिलता है, लेकिन किसी को भी वह कुछ नहीं बताता। कर्मवीर जानता था कि कुछ ही घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगले दिन सबसे मिलने के बाद, जब वह स्नान ध्यान करने के बाद वापस अपनी पत्नी से मिलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तो वह देखता है कि सीढ़ियों में छोटा जमदूत नाग बनकर बैठा हुआ था। जैसे कर्मवीर उस नाग को देखता है, वो उसे पहचान लेता है कि यह मेरा वही मित्र है और नाग बनकर मुझे डसने के लिए आ पहुंचा है। कर्मवीर और उस नाग में बात होती है। कर्मवीर उस नाग बने हुए जमदूत से कहता है कि ठीक है, आप आ गए हैं और मेरा समय आ गया है, मेरा समय पूरा हो गया है, आप मुझे डस लीजिए। कर्मवीर कहता है कि मैं जानता हूँ अब कुछ ही समय बचा है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। कर्मवीर और उस नाग की बातें कर्मवीर की पत्नी सुन रही थी। वो सोचती है कि कुछ ही समय बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगी तो फिर मैं भी जीकर क्या करूंगी। वो भगवान का ध्यान करने लगती है और प्रभु से विनती करती है कि प्रभु आपका ये कैसा न्याय है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा विवाह हुआ है, अभी तो मैंने ये संसार भी ठीक से नहीं देखा और आप मेरा संसार उजाड़ रहे हो। वो भगवान का ध्यान करके इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करती है। जिस समय जमदूत नाग बनकर कर्मवीर को डसने वाला था, उसी समय उस नगर में एक विधवा महिला एक पुत्री को जन्म देती है। उस महिला के पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी और वह महिला विधवा हो गई थी। वह महिला अपने पिता के घर में रह रही थी। जिस समय वह नाग कर्मवीर को डसने वाला था, उसी समय वह महिला एक बच्चे को जन्म देती है और उसे बहुत भूख लगती है। जब उसे भूख लगती है तो वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। उसका पिता कहता है कि पुत्री मैं तो बहुत निर्धन हूँ, भीख मांग कर खाता हूँ, आज भिक्षा में जो कुछ भी मिला था वह सब तो खत्म हो चुका है। जब वह विधवा महिला भूख को सहन नहीं कर पाती तो पिता से कहती है कि पिताजी ठीक है, अगर आप मुझे कुछ खाने को नहीं दे सकते तो मैं इस बच्चे को ही खा लेती हूँ जिसे मैंने अभी अभी जन्म दिया है। पुत्री की यह बात सुनकर पिता अपनी मजबूरी पर अपने आप को कोसता है और वह रोने लगता है। वह अपनी पुत्री से कहता है कि ठीक है बेटी, मैं नगर में जाता हूँ और नगर में मानकर मुझे जो कुछ भी मिलेगा मैं उसे लेकर आता हूँ। उस महिला का पिता नगर में भीख मांगने के लिए जाता है। वह व्यक्ति प्रतिदिन वहाँ के लोगों से भिक्षा मांगता था, इसलिए लोगों ने उसे भीख देना बंद कर दिया था, लेकिन आज उसके पास कोई चारा नहीं था। अब वह जिस घर में भी भिक्षा मांगने के लिए जाता, लोग अपने घर का द्वार बंद कर लेते, कोई भी उसको भिक्षा नहीं दे रहा था। वो घूमता घूमता उसी सेठ की हवेली पर आ जाता है, जहाँ पर जमराज के जमदूत कर्मवीर को नाग बनकर डसने वाले थे। वो सेठ की हवेली पर पहुँच जाता है और भिक्षा के लिए गुहार लगाता है। वह कहता है मुझे भिक्षा दे दीजिए,
मुझे भिक्षा दे दीजिए। मेरी पुत्री ने बच्चे को जन्म दिया है और वह भूख के मारे तड़प रही है और वह कह रही है कि यदि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बच्ची को ही खा लूंगी, इसलिए अगर हो सके तो आप मुझे भोजन दे दीजिए, मेरे बच्चों की जान बचा लीजिए। उस दिन कर्मवीर की पत्नी ने कई प्रकार के भोजन बनाए थे। कर्मवीर की पत्नी उस भिखारी की आवाज को सुनती है और वह सोचती है कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों बाद मृत्यु हो जाएगी, इस भोजन को कौन खाएगा? इस भोजन को कोई नहीं खाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इस भोजन को इस बूढ़े व्यक्ति को दे दूं, ताकि इसकी बेटी भोजन खा सके। जब मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो मैं भी सती हो जाऊंगी, इसके बाद इस भोजन को कौन खाएगा? यही सोचकर कर्मवीर की पत्नी वो सारा भोजन उस बूढ़े व्यक्ति को दे देती है। वो बूढ़ा व्यक्ति भोजन लेकर दौड़ा दौड़ा अपने घर आता है और अपनी पुत्री को 36 प्रकार के भोजन खिलाता है। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री, जिसने बच्चे को जन्म दिया था, बहुत ही शौक से पेट भरकर भोजन करती है और संतुष्टि होने के बाद अपने पिता से कहती है कि पिताजी, ये भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। यह इतने प्रकार के भोजन आपको कहाँ से मिले? यह आपको किसने दिए? वो वृद्ध व्यक्ति बताता है कि पुत्री, ये सब मुझे हमारे नगर सेठ की वरवधु ने दिए हैं। ये सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री उस नगर सेठ की वधु को आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद देते हुए वह कहती है कि उसका सुहाग बना रहे, उसका सुहाग हमेशा अमर रहे। जब वह यह आशीर्वाद देती है तो उधर भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है, क्योंकि वह यह आशीर्वाद देती है कि भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे, यानी उसको कभी भी कुछ ना हो। दूसरी तरफ कर्मवीर की पत्नी का सुहाग तो कुछ ही मिनटों में मरने वाला है, लेकिन ऐसे समय पर वह विधवा महिला आशीर्वाद दे देती है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। उस समय आशीर्वाद और यह आवाज उसकी आत्मा से निकलती है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। जैसे ही वह महिला जो आशीर्वाद देती है, उधर श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है। तब भगवान श्री हरि विष्णु नारद को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि नारद, देखना जरा मेरे कौन से भक्त पर इतना बड़ा संकट आया है जो मेरा सिंहासन हिल रहा है। नारद जी मन की गति से चलकर मृत्यु लोक में आते हैं और देखते हैं कि कर्मवीर की मृत्यु होने वाली है और कुछ ही मिनटों में जमराज के दूत उसे नाग बनकर डसने वाले हैं। उधर सेठ की बहू को एक गरीब विधवा ने अपनी आत्मा से और अपने मन से इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का पति अमर रहे, उसका सुहाग अमर रहे। अब नारद जी श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें ये पूरी कहानी बताते हैं। तब श्री हरि विष्णु स्वयं मृत्यु लोक में आते हैं और जो उस महिला ने कर्मवीर की पत्नी को आशीर्वाद दिया था, उस महिला के आशीर्वाद को उसका आवरण बना करके श्री हरि विष्णु कर्मवीर को ढक देते हैं। उधर जैसे ही समय होता है, जमदूत नाग बन करके कर्मवीर को डस लेता है। नाग के डसने का कर्मवीर पर कोई असर नहीं होता है। जमदूत कर्मवीर के मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि कर्मवीर पर उसके डसने का कोई असर नहीं हुआ और वो पहले की तरह ही ठीक है, तब जमदूत सोचने लगा कि मेरे एक बार डसने से अच्छे अच्छे लोग नहीं बचते हैं, तो ये कैसे हो गया। जमदूत फिर से तीव्र गति से तीव्र विष के साथ उसको दोबारा डसता है, लेकिन कर्मवीर को फिर भी कुछ नहीं हुआ। जमराज का दूत जो नाग बना हुआ था, वो फिर से तीसरी बार कर्मवीर को तीव्र गति से डसता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। यानी जिसको उस मालिक का, उस ईश्वर का सहारा होता है, उसका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। इसके बाद वह चारों जमदूत वापस जमराज के पास जमलोक पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हमने उसको तीन बार डसा है, तीन बार डसने के बाद भी कर्मवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये बात तोता मैना से कह रहा है और मैना बड़े ध्यान से सुन रही है। अब तोता मैना से कहता है कि
अब तुम ध्यान से सुनो। अब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तुम्हारा पहला सवाल है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो उसका जवाब है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जो आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाए। परमात्मा में लीन होकर कही हुई बात ही सबसे बड़ी शक्ति होती है जो जमराज को भी रोक देती है। ऐसी ही शक्ति जन्म देने वाली महिला ने आशीर्वाद के रूप में कर्मवीर की पत्नी को दी थी, जिसे कर्मवीर की मृत्यु तक टल गई और जमदूत भी वापस चले गए और जमराज भी मात खा गए। वो कर्मवीर का कुछ नहीं बिगाड़ सके, यही होती है सबसे बड़ी शक्ति। सबसे बड़ी शक्ति आशीर्वाद होती है। परमात्मा में लीन होकर दिया गया आशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति है जो जमदूतों को भी पीछे हटा दे। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म जरूरतमंद लोगों को दान देना है, जहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पर दान कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए दान हमेशा किसी जरूरतमंद को देना चाहिए, जिससे वह संतुष्ट हो सके। अघाए हुए को दान देने से कोई लाभ नहीं है। हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं का उपयोग भी ना करें। जरूरतमंद को देंगे तो जब भी वह आपकी वस्तुओं का प्रयोग करेगा, आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। दान हमेशा उदार एवं शुद्ध मन से ही किसी को देना चाहिए। किसी को दान देते समय उसे ये जताकर दान नहीं देना चाहिए कि आप उसकी मदद करके उस पर अपना एहसान जता रहे हैं। फिर तोता मैना से कहता है कि तुम्हारा तीसरा सवाल है कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो सबसे बड़ा दान अन्नदान है, यानी अनाज या भोजन का दान। भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाना ही सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। जब भूखे को भोजन खिलाते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त होती है, तो कई बार उनका ऐसा आशीर्वाद अटल सत्य आशीर्वाद होता है कि वह जमदूतों को भी मात दे देता है। गरीब को दान करना व भूखे को खाना खिलाना ही भगवान की असली भक्ति है। इसलिए सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन कराना यानी अन्नदान करना होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।